हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कलर्ड माई वर्ल्ड एपिसोड 23। एपिसोड 22 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गुई फाई वापस आ गया है एंड आगे सब कंपनी का वर्क कर रहे होते हैं। गुई फाई के अपार्टमेंट आके जहाँ बूवी उनकी हेल्प करता है, देन उन लोगों को वर्क करते करते रात के 3 o'clock हो जाते हैं, जहाँ सब थक जाते हैं एंड हंगरी भी होते हैं कि तभी शाओ चेंग वहाँ उन लोगों के लिए मिडनाइट स्नैक्स लेकर आ जाती है कि मुझे पता था तुम रात भर जाकर वर्क कर रही होगे। इधर चैनिंग की टीम को शाओ चेंग ने छोड़ दिया होता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है उस पे एंड लॉन्गली और उन्हें ही आगे का देखना पड़ता है। देन आगे हम देखते हैं गुई फाई प्रोफेसर सिया से मिलता है, जो उससे कहते हैं तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले कहाँ गायब हो गए थे। तो वो उन्हें भी बता देता है कि वो एक ब्लाइंड टीचर से पेंटिंग स्किल्स लेने गया था और उन्होंने उसे काफी ज्यादा इंस्पायर किया एंड वो पेंटिंग भी दिखाता है जो उसने अपनी आईज क्लोज करके बनाई थी, जिसे देखकर प्रोफेसर सिया उसे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं कि अब तुम कभी फेल नहीं हो सकते। आगे यूएन को उसके ब्रदर की कॉल आती है जो उसे सडनली हॉस्पिटल बुला लेता है बिकॉज वो अपना वॉलेट भूल गया था एंड यूएन से उसे पैसे चाहिए थे। वेल, उसके ब्रदर को हार्ट डिजीज होती है लेकिन वो अपनी डिजीज के बारे में यूएन को नहीं बताता है एंड कहता है मैं बस यहाँ रूटीन चेकअप के लिए आया था। वेल, वो यूएन से कहता है क्या गुई फाई का कोई पता चला, तो वो उसे बताती है कि वो वापस आ गया है। वेल, आगे हम देखते हैं वेजिया ने उन्हें जो प्रोजेक्ट दिया था कि जिसे मार्केट में हाई रेटिंग मिलेगी उस ग्रुप का प्रमोशन कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे यूएन बाजी मार लेती है एंड उनके ग्रुप का प्रमोशन कर दिया जाता है। वहीं बेचारी चैनिंग की टीम को हारने पे कंपनी से निकाल दिया जाता है एंड वेजिया मीटिंग ओवर करके चली जाती है। देन आगे चैनिंग काफी गुस्से में वेजिया के केबिन में आ जाती है और कहती है तुमने पब्लिक में मुझे यूएन से हरा दिया। तो वेजिया कहती है कंपनी को प्रॉफिट के लिए काबिल लोगों की जरूरत है। तो चैनिंग चढ़कर कहती है मेरे पास भी एक स्कैंडल है। तो वेजिया पूछती है कैसा स्कैंडल, तो चैनिंग कहती है क्या तुम भूल गई, तुमने ही मुझे गुई फाई के फादर के बारे में बताया था और यूएन एंड गुई फाई के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवाई थी। तो वेजिया स्माइल करती है। तो चैनिंग कहती है मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। तो वेजिया कहती है तो तुम क्या कर लोगी उन नॉर्मल फोन कॉल से, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, ऑलरेडी तुमने मुझे काफी हेडेक दे दिया है, अब तुम चली जाओ यहाँ से, गेट आउट। तो चैनिंग चढ़कर कहती है मैं तुम्हारी हरकत सबको बताऊंगी एंड गुस्से से चली जाती है। आगे शाओ चेंग को भी ग्रुप बी में होने की वजह से हारने पर कंपनी छोड़नी पड़ जाती है कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, जिन्हें लगता है कि शाओ चेंग इंटर्नशिप कर रही है और उसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन शाओ चेंग ये सुनकर काफी रोती है एंड अपनी मॉम को भी ये बताकर दुखी नहीं करती कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। आगे चैनिंग गुई फाई से आकर कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गई हो। तो वो कहता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें नहीं बता दिया था कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो कहती है आई नो कि तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड के साथ यूएन की फोटोज क्लिक करके उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, लेकिन ये सब मुझसे वेजिया ने कहा था। लेकिन गुई फाई उसकी नहीं सुनता एंड कहता है मेरे सामने फिर कभी मत आना, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता एंड चला जाता है, जिसपे चैनिंग वंस अगेन दुखी हो जाती है। इधर वेजिया को कंपनी में एक पर्सनल असिस्टेंट की नीड होती है, जहां वो अपने कंपनी सेक्रेटरी से कहती है तुम्हें असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू लेते लेते कितना टाइम हो गया है, अभी तक तुम किसी को ढूंढ नहीं पाए। तो वो उसे सॉरी कहता है एंड कहता है कैसा रहेगा हम यूएन को कंपनी का असिस्टेंट बना लें, वो काफी क्वालिफाइड पर्सन है, उसकी फ्रेंच एंड इंग्लिश काफी अच्छी है, अगर आप चाहें तो मैं उसका ट्रांसफर असिस्टेंट के लिए कर सकता हूँ। लेकिन वेजिया उसे मना कर देती है कि वो यूएन को हमेशा अपने साइड नहीं रख सकती। तो कंपनी सेक्रेटरी कहता है मेरे पास एक और पर्सन है
जो एलिमिनेट हो गई है, लेकिन उसकी एबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वो काफी हार्ड वर्किंग है। वेल, वो शाओचेंग की बात करता है तो वेजिया शाओचेंग के लिए एग्री हो जाती है। एंड आके शाओचेंग जो कंपनी छोड़ने पे अपसेट बैठी थी, लकीली उसे असिस्टेंट बनने के लिए कंपनी फिर इनवाइट करती है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। एंड आगे उसे असिस्टेंट बना दिया जाता है। आगे बोडोर्न आकर शैनशैन एंड यूएन को भी ये गुड न्यूज देती है, जो उसके लिए काफी हैप्पी होती हैं कि वो फ्यूचर में हमेशा साथ काम करेंगे एंड हमेशा साथ रहेंगे। देन आगे जी चैन यूएन के डोर्म के बाहर उसका वेट करता है। एंड वो आती है तो वो उसे प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है, तो वो उसे थैंक्स कहती है। वेल, जी चैन उसे पूछता है, हम अभी भी फ्रेंड्स हैं ना? तो वो कहती है, ऑफ कोर्स हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। एंड कहती है, मैं शैनशैन, डिन जियान एंड गुई वाई हमारे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? तो वो मना कर देता है कि मेरा ह्यूनैन के साथ अपॉइंटमेंट है। तो यूएन कहती है, ओके फिर मिलते हैं, एंड बाय बोलकर चली जाती है। तो जी जियान कहता है, गुई वाई वापस आ गया। देन आगे हम देखते हैं गुई वाई एंड यूएन डिन जियान एंड शैनशैन का वेट करते हैं, लेकिन वो दोनों आते नहीं हैं। एंड उन्होंने जानबूझकर उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ दिया था। वेल, हमें यहाँ शैनशैन एंड लिनजियान की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है, जो शैनशैन को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है एंड वो उसे हाँ बोल देती है। इधर उन दोनों के ना आने पर वो दोनों भी अकेले डिनर करने लगते हैं एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आगे यूएन अपने डैड से मिलने आती है एंड उनके लिए वाइंस भी लेकर आती है, जिससे वो काफी खुश होते हैं। एंड वो अपने डैड को भी अपनी जॉब एंड वे ग्रुप के बारे में बता देती है, जिससे वो काफी रिलैक्स हो जाते हैं कि वो एट लीस्ट पेंटिंग से रिलेटेड वर्क नहीं कर रही। आगे जी जी एन पेंटिंग कर रहा होता है, तभी वेजिया आकर उसे न्यू कार की कीज देती है, जो उसने उसे ग्रेजुएट होने की खुशी में गिफ्ट की होती है। वेल, आगे कोई वाई ह्यूनैन को अपनी ब्लाइंड पेंटिंग दिखाने आर्ट गैलरी आता है, जो उसने उस टाउन में बनाई थी। तभी जी जी एन भी अपनी पेंटिंग ह्यूनैन को दिखाने के लिए आता है, लेकिन वो कोई वाई को देख कर वही स्टॉप हो जाता है, जहां वो गुई वाई की पेंटिंग की काफी तारीफ करती है कि ये तुम्हारी टॉप पेंटिंग है, आई रियली लाइक इट, जिसे सुनकर जी चैन अपसेट होकर वापस चला जाता है। वेल, गुई वाई जी चैन की पेंटिंग भी बाय कर देता है, तो ह्यूनैन उससे कहती है, ये पेंटिंग तुम यूएन को दोगे? तो गुई वाई पूछता है, तुम्हें कैसे पता? तो ह्यूनैन कहती है, मैं तुम्हारा माइंड गैस कर सकती हूँ। वेल, आगे हम देखते हैं यूएन कंपनी में रिजाइन कर देती है, तो शैनशैन पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है, मेरे लिए ये कंपनी सुटेबल नहीं है। वेल, यूएन ये जॉब अपने डैड की वजह से कर रही थी, लेकिन उसे ये रियलाइज हो गया था कि हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, ना कि वो काम जो किसी और का ड्रीम हो। सो गाइज, सेम ऐसी ही लाइफ में मैं भी जी रही हूँ, मैं भी वो कर रही हूँ जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसी सिचुएशन मुझे मेरे ड्रीम से दूर कर रही है, जिसमें मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही है। एंड मैं चाहती हूँ कि सब कुछ छोड़कर अपने ड्रीम के लिए फाइट करूँ, मेरी लाइफ काफ़ी हार्ड एंड कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई है। वेल, मैं आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती, सॉरी आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। वेल, शैनशैन एंड शाओचेंग भी यूएन के लिए हैप्पी होती हैं। देन आगे हम देखते हैं गुई वाई बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तभी जी जियान वहां आता है एंड कहता है, काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो गुई वाई उसे बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए कहता है, लेकिन जी जियान कहता है, आज मेरा मूड नहीं है। तो गुई वाई कहता है, तुम्हारा मूड खराब होना ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तो जी जियान कहता है, लोग चेंज हो जाते हैं। वेल, जी जियान कहता है, यूएन ने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो गुई वाई कहता है, हाँ उसने मुझे बताया था। एंड पूछता है, क्या तुमने यूएन को कन्फेस किया था? तो जी जियान कहता है, हाँ मैंने उसे दो बार कन्फेस किया, लेकिन उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया। एंड कहता है, तुम मुझसे करियर और लव दोनों में जीत गई हो और मैं हार गया हूँ, मुझे पता चल गया है कि यूएन के दिल में मैं नहीं हूँ और ह्यूनैन के दिल में भी तुम्हारा ही फ्यूचर है, मैं उसे भी इम्प्रेस नहीं कर सका। तो गुई वाई कहता है, यूएन तो मेरी है, लेकिन करियर की लाइफ में
तुम्हारी पेंटिंग भी बुरी नहीं। तो जीजीएन कहता है, तुम मुझे कंफर्ट मत कराओ। तो गुईवाई कहता है, 4 साल से हमारे डिपार्टमेंट में तुम ही बेस्ट हो और अपने करियर को लेकर कभी गिव अप मत करना, ये तुम्हारी हाथ में है, ये कहकर चला जाता है। एंड ये एपिसोड यही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।